और पीएम की सभा में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। रायपुर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और बारिश इस सभा में खलल भी डाल सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा है, कई सारी सौगातें देने जा रहे हैं, कितना खास ये दौरा रहेगा, कैसी सभा रहेगी, कैसी तैयारियां हैं और मौसम का मिजाज आखिर कैसा है, बताइए। देखिए, तो हम पूरे इस दौरे की बात करें तो कई लिहाज से ये दौरा है काफी अहम है। बड़ी बात यही है कि 2023 का विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में यहाँ से चुनावी शंखनाद भी कहा जा सकता है। और उसे अगर हम बात करें कि 7,000 करोड़ की सौगात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो यहाँ की जनता को देंगे, छत्तीसगढ़ की जनता को देंगे। एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। मैं अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से कहूँगा कि दिखाएं कि अभी भी भारी बारिश हो रही है, लेकिन जो उत्साही कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब एक एक कर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने को आतुर हैं। अगर देख सकते हैं आप, पूरी ये तस्वीर दिख रही होगी, लगभग 1600 से अधिक पुलिस के जवान, अधिकारी, कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। सभी अपनी ड्यूटी भारी बारिश के बीच भी लगातार कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी है वो लगातार निभा रहे हैं। यहाँ पर सभा स्थल में किसी तरह का जल भराव ना हो, उसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है। निगम की तमाम जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है और पानी को जो ड्रेनेज है उसे खाली करने का काम है किया जा रहा है। मोटर्स भी मंगाए गए हैं ताकि पानी जल भरा हो यदि सभा स्थल पे तो उसे हटाया जा सके। तो आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति है, जो आप देख लीजिए कि किस तरह से जो जवान हैं अपने आप को सुरक्षित रहते हुए भी इस सभा में महती जो भूमिका है, उनकी सुरक्षा की भूमिका है, वो अदा करने जा रहे हैं, निभाने जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं उत्साह है और कई लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सभा महत्वपूर्ण है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा का चुनाव होना है तो ऐसे में यहाँ से शंखनाद होगा। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर लगा रही है, केंद्रीय नेतृत्व है पूरा जो लगातार छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि 15 दिनों के भीतर लगातार जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, दो बार दौरा कर चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4.5 साल बाद 2018 में जब उनकी सभा हुई थी उसके बाद ये दूसरी बड़ी सभा है और लाखों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, वो आएंगे, उनकी तैयारी की गई है और अभी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और स्नैपर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। और पूरे तमाम जो एसपीजी के जो कमांडोज हैं सभी ने पूरी तरह से सुरक्षा की कमान संभाली है। देखिए, मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि दिखाए, यही मुख्य मंच है जहाँ से कार्यक्रम होगा और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के आम जनता को संबोधित करेंगे और उन्हें सौगातें देंगे। अभी भी आप देख सकते हैं 7 बजे का वक्त है, लेकिन एक एक कर कार्यकर्ता दूर दराज से, सरगुजा है, बस्तर हैं, जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पे रहते हैं, वो रात के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है सबको उनका दायित्व सौंपा जा रहा है। और ये बात अलग है कि बारिश हो रही है, बारिश खलल डाल सकती है, लेकिन अभी मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है उसके तहत बारिश हो रही है और आने वाले लगभग 10 बजे बारिश है वो थम सकेगी। और 10:10 पर जब प्रधानमंत्री का जब फ्लाइट है यहाँ पर लैंड होगा, उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से साइंस कॉलेज मैदान पर पहुँचेंगे,
सभी को उसको इंतजार है, उस पल का सभी को इंतजार है और इसकी व्यापक तैयारियां की हैं। बीजेपी ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी एड़ी चोटी एक की है, पूरे तमाम प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, आएंगे, उनका संबोधन है वो सुनेंगे। और जिस तरह से आप देख लीजिए, हर कोई पानी से बचना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनका दायित्व भी है और वो ड्यूटी है, वो बखूबी निभाने के लिए तैयार है। और ये कहा जा सकता है बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल फोर्स है वो लगाया गया है, एसपीजी की टीम भी यहाँ पर तैनात है, सभी अधिकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी है, वो दायित्व है, वो सौंपी गई है। जी रितु, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। अहमदाबाद से बड़ी खबर है, राहुल गांधी की याचिका पर आज